जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे महंगाई का उदाहरण लीजिए, हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, यानी जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी। आप सभी को, विशेषकर न्यूज रूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है आपको कितने बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई है। ये फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर के थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज देता रहता था, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक की, फिर 5 लाख रुपए की तक की आय के लिए टैक्स को 10% से घटाकर 5% किया, और इस बार तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को ही टैक्स के दायरे से हमने बाहर कर दिया। साथियों, अब जीडीपी ग्रोथ की ही बात करूं तो अब पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले की प्राथमिकता और अब की प्राथमिकता का फर्क और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में यूपीए को 8% विकास दर वाली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। जब अटल जी गए तब 8% ग्रोथ के साथ सुपुर्द करके गए थे, लेकिन वर्ष 2013-14 में जब यूपीए की विदाई हो रही थी तब विकास दर 5% करीब करीब पहुंच गई थी। 2014 में एक बार फिर हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी सरकार ने 7 से 8% के बीच पहुंचा दिया है। वो बढ़े हुए को घटा के गए और हमने घटे हुए को फिर से बढ़ा दिया, और ये हमारी प्राथमिकता है।